अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी, ये बहुत ही अजीब सी बात लग रही है कि कल और परसों हम बात कर रहे थे कराची में बारिश का, खुशगवार मौसम का, लेकिन अब वही गंदी जून जुलाई की गर्मी आ गई है जिसने एक दफा फिर हम सबको बेचैन कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में कल जितने मसाइल का हम जिक्र कर रहे थे उसकी वजह से तो लोग खुश हैं कि एटलीस्ट कुर्बानी करने में मुश्किल नहीं होगी, जानवरों की देखभाल में मुश्किल नहीं होगी, अगर मंडी जाना है या बाजार जाना है तो वो आसान होगा। लेकिन इस वक्त तशवीश की बात यह है कि कराची में इस वक्त आने वाले जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उसमें डेल्टा वेरिएंट की तशखीस हुई है। कुछ और बातें भी चल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर आपने दो डोजेस लगवा लिए हैं अपने कोविड वायरस के वैक्सीन के, तो उसके बाद आपको तीसरे बूस्टर शॉट की जरूरत भी पड़ सकती है। बट दैट इज स्टिल इन डिस्कशन राइट नाउ, वो दो शॉट्स काफी हैं। अगर आप देखें कराची में, बड़े शहरों में, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आपने जाना है तो आपका निम्स का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। एक तो नंबर वन, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई है फौरी तौर पे जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। इन केस आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो प्लीज इशारों किनारों से, जोर जबरदस्ती से कहीं घुसने की कोशिश मत कीजिए। यू नीड द निम्स सर्टिफिकेट और ये बड़ा आसान है। नादर की वेबसाइट पर जाइए, पूरी की पूरी वेबसाइट और तमाम इंस्ट्रक्शंस उर्दू जुबान में मौजूद हैं आपके पास। ऑल यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर इसमें ऐड करना है। शिनाख्ती कार्ड नंबर जिस तारीख को आपने बनवाया है वो तारीख ऐड करनी, और एक छोटा सा सवाल होगा जिससे पता चलेगा कि आप कोई स्पैम या रोबोट नहीं है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इसकी डेफिनेशन अलग है, लेकिन ये आपसे हो सकता है 5+8 पूछे और आपने उसका सही जवाब लिखकर अगले स्टेप पे चले जाना है। अगले स्टेप पे जब आप जाएंगे तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा। इसके अलावा जी आपसे ये पूछा जाएगा, उस पर तमाम तर डिटेल्स आएंगी कि कहां और कब आपने अपनी कोविड वैक्सीनेशन लगवाई है। उस डिटेल को जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या अस्पताल का नाम, वैक्सीन का नाम, तारीख वगैरह सही है। एक दफा जब आपने एंटर प्रेस किया तो फिर इस सर्टिफिकेट के लिए आपको 100 रुपए देने हैं। ये 100 रुपए आप इजी पैसा या किसी भी ऑनलाइन वॉलेट से भी दे सकते हैं, या फिर तमाम तर जो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स है पाकिस्तान के उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें भी नहीं है तो आपको एक और स्टेप मिलेगा जिसमें है जी सर्टिफिकेट का कोड लेना। ये चार हिंसों का कोड लेकर आप किसी भी नादरा के दफ्तर में जाइए और अपने ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड के साथ ये कोड दीजिए, वहां पे नकद 100 रुपए देकर आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलेगा। आगे आपने किसी भी जगह का अगर वीजा अप्लाई करना है, किसी दफ्तर में जाना है, मजीद अगर सख्ती होती है तो रेस्टोरेंट, दफ्तर, किसी भी पब्लिक स्पेस में जाने के लिए भी आपको ये रिक्वायर्ड होगा। अब या तो इसकी कॉपी अपने स्मार्ट कार्ड में रख लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट बना के छोटा सा जिसको लैमिनेट कर लें। मैंने अपना बनवा लिया, ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगी एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम। एक छोटा शिनाख्ती कार्ड की तरह आपकी पॉकेट में होगा। किसी ने भी कभी आपसे पूछा कि जी आर यू वैक्सीनेटेड, तो आपके हाँ जी मैं वैक्सीनेट हो चुकी हूँ।